बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं, वो कोई मीडिया पे बड़े फेमस एक सेलिब्रिटी हैं वक़ार ज़का, उन्होंने भी क़ादियानियत के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया है और मैंने उनका वो क्लिप सुना, वो मुनाज़रा जो क़ादियानी और ख़त्म नबूवत के एक आलिम को बिठा के उन्होंने बहस करवाई, उसमें उन्होंने जो ख़ुद तज़िया किया कि हमारा ख़त्म नबूवत पर ईमान है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये जो नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो इसमें बिल्कुल एक ड्रामा लिखने वाले एक जो एक शोबिस की दुनिया में बिल्कुल एक लिबरल आदमी समझे जाते हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन किया था इसमें। उनका नाम क्या था, जहन से निकल, हाँ, खलीलुर रहमान। तो पूरा मीडिया उनके ख़िलाफ़ हो गया था और मैंने फिर उसके बाद भी बहुत सारे क्लिप उनके देखे, तो अंदाज़ा हुआ कि ये आदमी बिल्कुल तन्हा हो गया है। तो ऐसे मौके पर हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे किसी भी मेहनत को हम अप्रिशिएट करें, ऐसे बंदे को हम की हौसला अफज़ाई करें कि भाई वेल डन, आपके बाकी कामों का अल्लाह जाने, ठीक है ना। हम किसी बुरे काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता आपने बुरा किया अच्छा किया, लेकिन ये काम बहरहाल आपने अच्छा किया है। और इसकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ जाती है कि उलमा का अपना एक तबका होता है जो उलमा को सुनता है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग इन लोगों को भी सुनते हैं जो इन्हीं की तकरीर से, इन्हीं के जज्बात से मुतासर होते हैं, वो हमारे और आपके जज्बात से मुतासर नहीं होते, क्योंकि हमारी बात उस तबके में नहीं पहुंचती है जिस तबके में इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की बातें पहुंचती हैं और उस पर असर ज़्यादा होता है। तो यही वक़ार ज़का साहब ने जो क़ादियानियत के ख़िलाफ़ काम किया है, तो इस पर बहरहाल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क़ादियानियत इस रिएक्शन से जो उनको नुकसान हुआ है या तो तकलीफ़ हुई है, वो बाकी रिएक्शन सारे एक तरफ रह गए। तो लिबरल तबके में और इस तरह की सेलिब्रिटीज़ में इस तरह की बात का आ जाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें बिला वजह कीड़े निकालना, अब है उसका तो ये मकसद, अब है उसका तो कोई अच्छा काम करे तो भाई अच्छा कह दिया करो, क्या जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स लगता है इस पर। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने रिएक्ट किया है और इस रिएक्शन की वजह से फेसबुक की उनकी मोनिटाइजेशन बंद हो गई है, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा एहतजाज हुआ है इस पर कि वो फेसबुक की मोनेटाइजेशन बंद हो गई है। तो बाकी जो हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो मीडिया पे आते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो उनको भी चाहिए कि इस मामले में वक़ार ज़का का साथ दें। वो लोग साथ नहीं देते तो अपने तौर पर एक कोई वीडियो रिकॉर्ड करवा लें कि भाई हम इस मसले में, हम जैसे भी हैं, बहरहाल कलमा गो मुसलमान हैं, हम ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं। देखो हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, बिल आखिर अल्लाह उसे जहन्नम की आग से निकालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सिफारिश शुरू होगी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, यार ए अल्लाह फ़लाँ फ़लाँ लोग मेरी उम्मत के गुनाहों के सबब जहन्नम की आग में हैं, लेकिन वो मेरा कलमा पढ़ते थे, उनकी ये नेकियाँ हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, करते करते बहुत बड़ा तबका हदीस में आता है कि वो जहन्नम से निकल जाएगा। तो आखिर में अल्लाह फरमाएंगे अब कोई है सिफारिश करने वाला, तो कोई भी अब मज़ीद शफात करने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हल यबका इल्ला रहमान, अभी रहमान बाकी है, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से तो अभी निकाला नहीं है, अभी तो मेरी मखलूक है जो शफात कर रही है, तो मैं तो रहमान हूँ। तो अल्लाह कहेंगे कि जिसने ज़िंदगी में एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान, उसे कुछ इस्लाम का नहीं पता हो, कोई अमल उसकी ज़िंदगी में ना हो, सारे आमाल आमाल नामे बुराइयों से भरे हुए हों, स्याहकारियों से भरे हुए हों, कोई एक नेकी भी ना हो, तो अल्लाह कहेंगे कि एक दफ़ा भी, यानी मुस्लिम था वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था, आप पर ईमान रखता था और मेरी तौहीद को मानता था, बस ऐसा भी कोई शख्स अगर जहन्नम में है तो उसको भी निकाल के ले आओ। तो हदीस में आता है कि ये वो वक्त होगा कि जब जो लोग कुफ्र पे मरे हैं वो कहेंगे या लैतनी कुंतु तुराबा, हाय काश हम मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाते। और हदीस में आता है कि जो काफिर जहन्नम में होंगे वो अहले इस्लाम को ताने देंगे
کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم بھی بدعمال تھے، ہم بھی بدعمل تھے، تم بھی بدعمل تھے، آج ہم دونوں اکٹھے جہنم میں ہیں، تو تمہارا مسلم ہونا تمہارے کام نہیں آیا۔ ایسے موقع پہ اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، جو میرے ماننے والے تھے، اگرچہ نالائق تھے، اگرچہ مجھے فالو نہیں کرتے تھے، لیکن میرے ماننے والے تھے، آج میں ان کو نکالوں گا۔ اپنوں کو ہمیشہ آخر دم تک ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح جب ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، قادیانیت کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے نا، وہ اعمال کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ ایمان کا۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ جو حق خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ 15ویں صدی کے ایک جھوٹے کذاب کو انہوں نے دے دیا۔ تو نبی تو اللہ کے نمائندے ہیں نا، نبی کس کے نمائندے ہیں؟ کسی ملک کے سفیر کی توہین کرو تو یہ اس سفیر کی نہیں بلکہ اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کو اتنا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اس خالق کائنات کے سفیر کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی توہین کسی کی یہ ہے کہ اس کی سفارت میں آپ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کر دیں، یہ چھوٹی توہین تھوڑی ہے، بہت بڑی توہین ہے یہ۔ تو جو بھی یہ بھائی اس وقت یہ کام کرے گا، کوئی معاشرے میں کوئی خوبی کو پروموٹ کرے، تو اس کو ہمیں کم از کم اس کام کی حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو دوسرے ہمارے جو بھی شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ بھی ساتھ دیں کہ بہت اچھا کام کیا، اور ہم بھی اس میں ان کے بول دے کیوں نہیں بھائی، ہم بھی ساتھ ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔